व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में और खेल और खिलाड़ियों, पूरे देश में हरियाणा नंबर एक था 2014 तक। आज किस चीज में नंबर एक बन गया? मैं बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में और खेल खिलाड़ी की तो जो हो रही है आपके सामने है। हमने 100-100 गज के प्लॉट दलित को और बैकवर्ड क्लासेस को देने का काम किया, 4 लाख प्लॉट अलॉट किए और 3 लाख अंकित किए, 3 लाख और देने थे, इस सरकार ने तो बंद कर दिया। बैकवर्ड क्लासेस के और गरीब आदमी स्कॉलरशिप का भी घोटाला कर दिया, घोटाला की सरकार है। कोई पूरा लाडवा हल्का यहाँ बैठा है, मेरा आपसे सवाल है कि भाई निष्पक्ष होके इस पिछले 10 साल में लाडवे का कोई काम हुआ? बस फिर किस नाम की वोट मांग रहे भैया, किस नाम की वोट मांगना है? तो ये आपके सामने है, आज आपके सामने है। और भाई ये सरकार जो है मौजूदा भ्रष्ट सरकार, झूठी सरकार, इनका जो है मुखिया भी झूठा, वो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। कोई भी एक वायदा इस सरकार ने पूरा किया? इन्होंने कहा 2022 में तक हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, आमदनी तो दुगनी नहीं कर पाए, की नहीं, लेकिन लागत कई गुना बढ़ा दी। याद कर लो आप 2005 में डीजल का क्या भाव था, खाद का क्या भाव था और भाई कीटनाशक दवाई का क्या भाव था। गन्ने का सवाल आता है, जब 10-10-10-10-10-10-10 ये कुर बढ़ाते हैं, किसान को देंगे कुछ नहीं। राजी कोई भी जो एक बार बताओ, किसान आज कर्जे में डूब गया। तो ये परिस्थिति है, गरीब आदमी को एक प्लॉट नहीं दिया, तो इस सरकार से छुटकारा पाने का समय आ गया। ये कहने आया हूं मैं, तो एक ही बात कहने आया हूं कि यहां से जो आपने विधायक चुन के भेजे चौधरी मेवा सिंह, बहुत मजबूत आदमी है, ये अपने इलाके की आवाज बड़ी मजबूती से उठाते हैं। जब विपक्ष में इतनी आवाज उठाते हैं तो भाई कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो आपके लिए कितनी लड़ाई ये लड़ेंगे। मैं सारे हरियाणा में घूम के आया हूं और हर जगह से एक ही आवाज आ रही है, एक लहर कांग्रेस के पक्ष में चल रही है कि कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है, पक्की बात। तो ये यहां मैं आया हूं आपसे निवेदन करने के लिए, भाई एक काम मेरे कहने से आप कर दो, एक मैं आपके कहने से कर दूंगा। साथियों, पिछले 10 साल से आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अच्छी तरह से भुगत रहे हैं, परख रहे हैं, देख रहे हैं। 10 साल के शासन में कोई वर्ग अगर अपनी समस्या लेके सरकार के पास गया, उसकी समस्या सुनकर समाधान करने की बजाय हर वर्ग पर लठ चलाने का काम किया, चाहे वो किसान थे, कर्मचारी थे, आंगनबाड़ी वर्कर गई, आशा वर्कर गई, सफाई कर्मचारी गए, चाहे चुने हुए प्रतिनिधि सरपंच गए, हर वर्ग पर लठ बरसाने का इस सरकार ने काम किया। आज महंगाई से, बेरोजगारी से, कानून व्यवस्था से, भ्रष्टाचार से हर वर्ग दुखी और परेशान है। आज एनडीसी के नाम पे लोगों को लूटा जा रहा है, हर वर्ग इससे परेशान है। कानून व्यवस्था की हालात यह है, लाडवा एक छोटा सा कस्बा है, पिछले 2 महीने में 4-5 बार यहां पर गोलियां चली और फिरौतियां मांगी गई, हर वर्ग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है।